रश्मि की वजह से मुसीबत में फंसी। तुम्हें याद आना ही था, वो गांव से रंजीत आया था, पारो को उठा के ले गया था। उसकी वजह कौन था? लक्ष्मी। पारो को लेकर परेशान हुए घर वाले। हाँ मैंने छुपाया कि पारो आपकी पोती है। हाँ मैंने छुपाया कि पारो तुम्हारी बेटी है। मैंने छुपाया कि पारो इस परिवार का अंश है। मैंने छुपाया क्योंकि अब मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करता। शुरू हुई सास बहू में बहसबाजी। ये डीएनए की रिपोर्ट भी ना इसने बदल दी। मैं नहीं बदल दी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी को भी पार के बारे में पता चले। मलिष्का और लक्ष्मी की टशनबाजी। जिस घर के रिश्तों में विश्वास ही ना हो, इतने खोखले रिश्ते हो, झूठे रिश्ते हो, सब दिखावे के रिश्ते हो, तो बहुत तकलीफ होती है और मुझे भी हुई थी। सीरियल में तमाशा अनलिमिटेड। जी टीवी की सीरियल भाग्य लक्ष्मी में पारो बोरवेल में जा गिरी है। ऐसे में सभी घरवाले बेहद परेशान हैं। लक्ष्मी उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जैसे तैसे कर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है। इसी बीच उसे नीलम का दर्द भी समझ आ रहा है, लेकिन वही नीलम अब भी इन सब के पीछे लक्ष्मी को ही कसूरवार ठहरा रही है। ऐसे में ऋषि भी पहुंच जाता है घर के अंदर अपनी माँ नीलम को समझाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी माँ की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, सामने आ जाती है करिश्मा भी, जो ऋषि को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है इन सब के पीछे वजह लक्ष्मी ही है। पारो कितनी बार लक्ष्मी की वजह से मुसीबत में फंसी, तुम्हें याद है ना? एक बार वो लक्ष्मी के गांव से रंजीत आया था, पारो को उठा के ले गया था। उसकी वजह कौन थी? लक्ष्मी। तो फिर यहाँ से गुंडे पारो को किडनैप कर ले गए। क्यों? क्योंकि पारो अपनी माँ लक्ष्मी से भाग रही थी। ये सच नहीं है बुआ। क्या है? पारो लक्ष्मी से नहीं भाग रही थी, पारो यहाँ रहना चाहती थी हमारे घर में। मॉम, यही सच है। पारो हम सबके साथ रहना चाहती थी, मेरे साथ, रोहन के साथ, हम सबके साथ रहना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी उसे इस घर से दूर ले जाना चाहती थी। और इस हालत से बचने के लिए रोहन और पारो ने इस घर से भागने की कोशिश की, और वो लोग हमारे पुणे वाले फार्म हाउस जाने की कोशिश कर रहे थे। मॉम, लेकिन ऋषि हुआ क्या? बच्चे किडनैप हुए ना, और उस किडनैपिंग में पारो की जान जाते जाते बची थी, उसे कुछ भी हो सकता था। तुम समझ रहे हो ऋषि, हमारे लिए कितना बड़ा लॉस होता। वो एक्चुअली ऐसा ही है कि आई थिंक कहीं ना कहीं मलिष्का ने अपॉर्चुनिटी देखकर सबके दिमाग में बात डाल दी है कि ये जो भी पारो के साथ हुआ है वो लक्ष्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी ने पारो को कहा था कि वहाँ जाकर खेलो। अब लक्ष्मी को क्या पता था कि वहाँ पे बोरवेल है। बट एनीवेज, वो हमेशा हम सबकी आदत ही है कि हम घुमा फिरा कर हर चीज़ का ब्लेम लक्ष्मी पर डाल देते हैं, तो ये हम लक्ष्मी पर, हमने इसका भी ब्लेम डाल दिया और हम लक्ष्मी की परवरिश पर ब्लेम डाल रहे हैं। भाई ऋषि तो नीलम का गुस्सा संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं लक्ष्मी की चाची इनकी बातें सुनकर लक्ष्मी के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है घर के अंदर सभी उसे मुजरिम ठहरा रहे हैं। ऐसे में लक्ष्मी की बहन शालू को आ जाता है गुस्सा और वो वहां पहुंच जाती है। उसी के पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाती है चाची जी भी, जो सभी को डांट फटकार लगाती है। और तब होती है लक्ष्मी की एंट्री और शुरू होता है असली तमाशा। आप सबको बस यही लुकिंग आ रहा है कि लक्ष्मी ने हम सबसे पारो की बात छुपाई, बस। किसी को ये लुकिंग नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी ने कितनी मुसीबतों को पिकिंग करके पारो को पाला पोसा है, वो भी अब तक। कमाल, यही तो इतनी बड़ी गलती हुई है लक्ष्मी की, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी अकेले पालने की। अगर उसने हमें, हम सबको सच बता दिया होता तो कैसे, वो कैसे बताती आपको सच? और अगर सच बताती तो आप दी पे विश्वास करते? मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए, उसके मासूम प्यार के लिए, उसके मासूम जज्बातों के लिए आप लोगों से एक साथ छुपाया, तो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? हाँ मैंने छुपाया कि पारो आपकी पोती, हाँ मैंने छुपाया कि पारो तुम्हारी बेटी है, मैंने छुपाया कि पारो इस परिवार का अंश है। मैंने छुपाया क्योंकि अब मैं आप लोगों पर विश्वास नहीं करता। अब मुझे शक हो रहा है कि जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, वही वो सब कुछ मेरी बेटी, मेरी पारो के साथ होगा। इनफ। भाई अब तक तो सास और बहू के बीच ही ड्रामा हो रहा था, लेकिन अब बीच में मलिष्का भी कूद गई है और दोनों सौतनों के बीच टशनबाजी शुरू हो गई है। लेकिन मलिष्का को क्या पता कि लक्ष्मी सभी के सामने मलिष्का का खुलासा कर देगी, जिसे जानकर सभी घरवाले हो जाएंगे हैरान। मलिष्का को सब पता, बल्कि इसने तो मुझे पैसे भी दिए थे कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊं पारो के लिए, हमेशा के लिए। मलिष्का, ये सच है? इतना जल्दी हो गया था ना, मैं बहुत डर गई।
थी एकदम से ही वापस आ गई थी और उसी घबराहट में आके ना मैंने से पैसे ऑफर कर दिए। लेकिन मैं उसके बाद आप सबको बताने वाली थी, मैं सबको बताने वाली थी, लेकिन वो उसके बाद वो रिपोर्ट DNA की रिपोर्ट आ गई जिसमें पारो उसकी बेटी नहीं थी, ऋषि की बेटी नहीं थी पारो, तो उससे मैंने कुछ कहा ही। एंड आई एम श्योर ये DNA की रिपोर्ट भी ना इसने बताई है। हाँ मैंने ही बताई थी DNA की रिपोर्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी पारो के बारे में पता चले। मैं नहीं चाहती थी कि पारो यहाँ आकर आप लोगों के साथ रहे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी यहाँ रहे। भाई यहाँ पर लक्ष्मी ने ना सिर्फ DNA रिपोर्ट का सच बताया बल्कि ये सच भी बताया कि किस तरह वो टूट गई थी जब घर वालों ने बाबूजी के मरने पर लक्ष्मी को दोषी ठहराया था। जब मुझे मेरे परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, अकेली थी मैं उस वक्त, और मुझ पर मेरे पिता मेरे बाबूजी को मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया जा रहा था। तो अब तो हमें पता लग गया है कि वो ऋषि की बेटी है, तो आई एम श्योर हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ कस्टडी लीगली पारो को अपने पास लेकर आए, स्पेशली नीलम भाभी तो यही ट्राई करेंगी। अभी तो नीलम ने फैसला ले लिया है कि बोरवेल से निकलने के बाद पारो ओबेरॉय हाउस में ही रहेगी। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंत लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, नाम तो आप सब जानते हैं सास बहू और बेटियाँ। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, सो गेट सेट गो।